नमस्ते एंड जय माता दी मेरी प्यारी दोस्तों, मैं पूजा आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पे। तो दोस्तों आप सब कैसे हो मुझे कमेंट करके बताइएगा। माता रानी आप सबको सलामत रखे। आज बड़े दिनों के बाद मैं नया वीडियो लेकर आई हूँ आप सबके लिए, क्योंकि आज कुछ स्पेशल है इसी के लिए मैं वीडियो बनाने आई हूँ। वैसे तो मुझे टाइम नहीं मिलता है इसीलिए मैं लॉन्ग वीडियो नहीं बना पाती हूँ, लेकिन कभी कभी कोशिश करती हूँ तो थोड़ा बहुत बन जाता है। तो इसी के लिए आज मैं आप सबके लिए एक नया वीडियो लेकर आई हूँ, और आज का जो वीडियो है बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और बहुत मज़ा आने वाला है आप सबको, क्योंकि आज की वीडियो में आप सबको कुछ स्पेशल मिलेगा। तो हम मेरे साथ आप सब बने रहिएगा और आप सबको मैं बताऊंगी कि स्पेशल क्यों हैं। तो चलते हैं, पहले कुछ काम कर लेते हैं, उसके बीच में मैं आपको बताती हूँ कि ये वीडियो आज स्पेशल क्यों है। तो बने रहिए मेरे साथ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो इसीलिए आज स्पेशल है क्योंकि आज हम लोग कहीं बाहर जा रहे हैं। बड़े दिनों के बाद पति को थोड़ा सा टाइम मिला है मेरे लिए, तो बोले चलो आज कहीं बाहर घुमा ले आता हूँ। तो आज बाहर जाने वाले हैं हम। अभी मैं आटा गूंद चुकी हूँ और ये है मेरा बुलबुल का सुबह का नाश्ता सेरेलैक्स। तो अभी मैं इसको पहले सेरेलैक्स खिला देती हूँ, नहीं तो फिर बाद में टाइम नहीं मिलेगा। और अभी रो भी रही है तो थोड़ा खा लेगी ना तो खेलेगी, नहीं तो वही मुझे तंग करती रहेगी, फिर मुझे कुछ काम नहीं करने देगी। इसीलिए अभी पहले इसको खिला देती हूँ। और अभी खिड़की में लटकी हुई है, बाहर बंदर आ रखा है ना लंगूर, उसी को देख रही है ये और इंतज़ार कर रही है कि कोई बिल्ली इसको दिख जाए, क्योंकि ये बिल्ली को देखकर बहुत उछलती है। तो अभी बिल्ली को ढूंढ रही है कि कोई बिल्ली दिख जाए। अभी एक आंटी है तो आंटी के पीछे बिल्ली भागते रहती है, तो उन्हीं से बात कर रही है कि बिल्ली कहाँ है। अपने भाषा में बात कर रही पर आंटी समझती है क्योंकि इसको पसंद है बिल्ली बहुत ज़्यादा। तो आजा बाबू खा लेते हैं पहले, फिर आजा। यहाँ मुझे अपनी बेटी को खिलाने के लिए बड़ा मशक्कत करना पड़ता है, बहुत तंग करती है खाने में, वो जल्दी खाती नहीं है, बस बिल्ली देखते रहती है। आप सब देख ही सकते हो इसको कैसे जिद कर रही है, और वही मैं बता रही हूँ यहाँ पे। बेटी तो ऐसे सेरेलैक्स खा नहीं रही है क्योंकि बहुत जिद कर रही है। तो अब एक काम करती हूँ, पहले उसको नानी तेरी मोरनी वाला वीडियो लगा देती हूँ और उसके बाद ही वो शायद खाएगी, नहीं तो वैसे खाएगी नहीं। तो पहले इसको खिला देती हूँ, उसके बाद आती हूँ आप सबसे फिर से बात करती हूँ। आजा सोना खा ले, आजा। तो मैं अभी आती हूँ दोस्तों 5 मिनट में, बस इसको खिला कर, क्योंकि मुझे नाश्ता भी तैयार करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं रेडी हूँ और बाल नहीं बांधी क्योंकि नहाई थी इसीलिए जा रही हूँ। आंटी कहाँ है? हेलमेट, हेलमेट चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ लेट हो गया और मेरे हस्बैंड हो रहे हैं गुस्सा, उनका चाबी मेरे पास है और अभी चल रहे हैं नीचे में हेलमेट लेकर स्कूटी के अंदर। तो अभी चल रहे हैं और मेरे हस्बैंड हो रहे हैं बड़ा गुस्सा। ए जी इसके अंदर ही है आंटी का हेलमेट। तो वो देखिए मेरे पति बाबू एंड माय बुलबुल, और यहाँ पे आंटी बोली हेलमेट है, यहीं पे बिल्ली पे घुस के बैठी रहती है। चलो हेलमेट हेलमेट है लेकिन बिल्ली नहीं है। तो अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा। अरे देखिए मेरा पति बाबू जो घर में जैसा वैसे ही बाहर भी, इनका तो कुछ नहीं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे कि मैं आप लोगों को बताई ना, आज बड़ा वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो इंटरेस्टिंग इसलिए होने वाला था क्योंकि हम लोग चले आए थे ज़ू देखने के लिए, और कहते हैं ये भुवनेश्वर में सबसे बड़ा, मतलब जो जूलॉजिकल पार्क है, कहते हैं कई लोग इंडिया में भी सबसे बड़ा जूलॉजिकल पार्क है, पर मुझे तो नहीं लगा। लेकिन हाँ बहुत मज़ा आया, और आप सब मतलब मेरे साथ बने रहिएगा और वीडियो आप लोगों को बहुत मज़ेदार मिलने वाली है, क्योंकि मैं इसमें तरह तरह का जानवर दिखाने वाली हूँ आप लोगों को। और अभी बस अंदर जा ही रही थी मैं, थोड़ा थोड़ा शूट कर रही थी सुबह से लेकर मतलब कि 3 बजे तक पूरा घूमी, और जितना हो सका मैं वीडियो बनाई। वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो उसके लिए सॉरी, लेकिन आप लोग देखिएगा आप लोगों को मज़ा आएगा, और फिर मुझे कमेंट भी करके बताइए कि आप लोगों वीडियो कैसे।
ये फ्रेंड्स, ये है वाइट टाइगर, अकेला सोया हुआ है मुंह घुमाकर। लोगों को फर्क नहीं पड़ता है कि कौन आ रहे हैं कौन जा रहे हैं लेकिन अगर खाने का मामला में तो उठ कर आएंगे। और अभी देखो कैसे मुंह घुमा के सो रहे हैं वाइट टाइगर। वाह, इतना बड़ा है, खा पी कर पूरा मोटा गया है, गेंडा बना हुआ है। तो यहाँ मैं थोड़ा घूमी, उसके बाद मैं थक गई थी तो मेरी बुलबुल भी रोने लगी थी, इसको भूख लग रही थी। तो मैं वही क्या करी, दूध लेके गई थी, सेरेलैक्स लेके गई थी, निकाली और जल्दी जल्दी बनाई और उसको खिला दी। तो उस समय मेरे हस्बैंड ना थोड़ा सा सूट कर रहे थे, मुझे भी नहीं पता था, बाद में मैं देखी कि वो वीडियो बना रहे हैं, लेकिन मैं खिला दी थी उसको सेरेलैक्स उस समय। फिर वो मुझे बोले कि मैं तुम्हारा कुछ फ़ोटो खींच देता हूँ। मुझे तो लग रहा था कि वो फ़ोटो क्लिक कर रहे होंगे पर वो वीडियो बना रहे थे, तो बाद में मैं देखी तो इसमें ऐड कर दी, वो भी अच्छा था। अब मेरी बुलबुल पानी पी रही थी, आप सब देख ही सकते हो, और आप सब मेरे साथ देखते रहो, आगे जाकर और मज़ा आने वाला है क्योंकि आगे चलकर और बहुत अच्छा अच्छा जानवर देखने वाले हैं मेरे साथ, तो बने रहिए आप लोग। फ्रेंड्स, अभी आए हैं देखने के लिए सबसे सुंदर वाला जानवर, और ये देखिए वो जानवर जिराफ। ये जिराफ, और ये मेरी बुलबुल का पापा, बुलबुल को दिखा रहे हैं जिराफ। इतना सुंदर है, बुलबुल मेरा एंजॉय कर रही है, चलिए फोटो खींचो। तो फ्रेंड्स, यहाँ मेरे हस्बैंड को बोली मेरा कुछ फ़ोटो क्लिक कर दीजिए, तो लगे मेरा वीडियो बनाने के लिए, पर वीडियो बन गया तो भी अच्छा लग रहा था क्योंकि वो जिराफ का भी वीडियो बना रहे थे, और हम लोग तो जिराफ को देख के ऐसा लग रहा था कि नकली है, पर जब हिला ना हिला डोला तब समझ में आया नहीं नकली नहीं असली है। और इतना लंबा बस एक ही था, मुझे तो और भी लग रहा था कि कहीं एक छुपा होगा, पर एक ही दिखने को मिला। पर मैं फर्स्ट टाइम देखी जिराफ को, वो भी आई टू आई। मेरे हस्बैंड का फेस होने लगा कैसा, उनका फेस पे आ गया चटपटा वाला, अरे मुर्गा उनका दिख गया। बताऊं आप सबको, यहाँ मेरी बेबी को ना बहुत मज़ा आया क्योंकि यहाँ पे ढेर सारा हिरन थी, और क्या कहते हैं उसे, उस साइड ना ओस्ट्रिच थे, तो उसको देख कर ना ये ना बहुत इंजॉय कर रही थी, मऊ मऊ कर रही थी। ये किसी भी जानवर को देख ले बस उसको मऊआ ही कहती है,
क्योंकि इसका मुंह पे जो भी जानवर आ जाए इसके लिए सब बिल्ली है तो बस मऊआ मऊआ कर रही थी और सबको आओ आओ करके वो बुला रही थी, मैं भी उसका साथ दे रही थी, आप सब देख ही सकते हो। तो फ्रेंड्स यहाँ तक तो हम लोग बाकी जानवर को देख लिए हैं, अब चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ दरियाई घोड़ा। हमारे यहाँ तो उसे दरियाई घोड़ा कहते हैं, पता नहीं आप सबके यहाँ क्या कहते होंगे, आप लोग देख लीजिए अगर फिर मुझे बताइएगा कमेंट करके कि क्या कहते हैं आपके शहर में। ये देखिए तो फ्रेंड्स अब हम कदम बढ़ाए जा रहे हैं ट्रेन की ओर, यहाँ पे टॉय ट्रेन भी चलती है, तो अभी मेरे हस्बैंड को मैं बहुत जिद करी कि मुझे ट्रेन में ले चलिए, तब जाकर वो मुझे बोल रहे हैं कि चलो इसको देखते हैं क्या होता है, अगर घूमने का रहेगा तो घूम लेंगे, क्योंकि वो काफ़ी ट्रेन देखे जा रहा था, देखते हैं। ये लीजिए हम पहुंच गए अब टॉय ट्रेन का छोटा सा स्टेशन में, और कोई नहीं है अभी, बड़ा मस्त हवा यहाँ पर चल रही थी उस वक्त, मतलब कि धूप से आए और फिर ये हवा ना बहुत अच्छा लग रहा था स्टेशन के बाहर से भी और दरवाजे के बाहर से भी, फिर पंखा का हवा बहुत मज़ा आ रहा था, फिर आस्ते आस्ते करके बहुत लोग भरने लगे। और अब ट्रेन आएगी तो मैं आप लोगों को ट्रेन दिखाऊंगी, अभी गए हैं ट्रेन पैसेंजर को लेके, 15 मिनट में आने वाले हैं तो वेट करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स छोटा सा ट्रेन आ गया, नंदन कानन एक्सप्रेस, और ये है टॉय ट्रेन, अब इसमें हम लोग चढ़कर जाने वाले हैं 15 मिनट के लिए, पूरा जूलॉजिकल जो पार्क है जू उसको घूमकर एक्सप्लोर करके आते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोग मेरे साथ बने रहे। नंदन कानन एक्सप्रेस खिड़की है और बहुत छोटी सी है पर क्यूट लग रहे दिखने में, बहुत सी ना है कितने अच्छे स्टीले ये बुलेट ट्रेन में सेकंड ट्रेन में पार्किंग बुलेट ट्रेन ना उसकी ड्यूल लेके तो उसे आप लोगों से एक बात शेयर करनी थी, पता है आप लोगों को जब मैं ट्रेन में बैठी ना तब मुझे ना राजेश खन्ना वाला एक फिल्म का गाना याद आ गया, ये सामस्तानी, और मैं सोची भी मेरे हस्बैंड के साथ में थोड़ा सा गुनगुनाऊं, पर मेरा हस्बैंड इतना शर्मीला है ना कि क्या ही बताओ, वो तो कैमरा में भी आना पसंद नहीं करते, इतना शर्माते हैं, तो गाना तो बहुत दूर की बात है, मैं उनको बोली ना थोड़ा सा गाते हैं तो थोड़ा सा स्माइल किए पर गाए बिल्कुल भी नहीं। और फिर हमारी ट्रेन चल पड़ी और बहुत मज़ा आ रहा था हम लोगों को ट्रेन में, मैं तो थोड़ा थोड़ा वीडियो बनाई और जहाँ तक हो सका मैं देखी, और लेकिन वो जंगल जंगल था तो इससे दिख नहीं रहा था, कहीं कहीं थोड़ा वीडियो थोड़ा साफ आ रहा था ना तो दिख रहा था। चलिए आप लोग मेरे साथ पहले अब देखते रहिए वीडियो, मज़ा आएगा अब आगे जाकर। कुछ समय के बाद जाकर ना मेरे बुलबुल का नखड़ा भर गया, ट्रेन में रोने लगी, वो भी खिड़की के बाहर देखने लगी, क्योंकि थोड़ा सा चल रहा था ट्रेन तब हवा आ रही थी, लेकिन जब रुक एक जगह रुका हुआ था ना तो गर्मी होने लगी थी इसलिए वो रोने लगी थी, और अब वो ट्रेन से उतरना चाह रही थी, आप लोग देख लीजिए इसे कैसे रोती है, तो बहुत बदमाशी कर रही थी, मैं तो नहीं ली गोदी, इसके पापा को दे दी, तो इसके पापा इसको लेकर खिला रहे थे, ऐसे करके जब खिला रहे थे ना तो बहुत उसको मज़ा आ रहा था, तब तो चुपचाप थी, जैसे ही बैठा रहे थे तो फिर रोने लग जा रही थी। तो अभी चलिए आगे मैं आप लोगों को और दिखाती हूँ जंगल मंगल। मेरी बेबी तो ट्रेन में भी सबको देखकर और उन्हीं लोगों को गोद में जाना चाह रही थी और उन लोगों के साथ खेलना पसंद कर रही थी, आप लोग देख लीजिए, हम लोगों के साथ में नहीं पर जो पीछे में भैया लोग बैठे थे ना और दीदी लोग, उन लोगों के साथ में वो खेलना ज़्यादा पसंद कर रही थी, और इतने लोग ना इसमें आ गए थे देख सकते हो आप लोग, और मैं तो इसमें नोटिस कर रही थी कई लोग ऐसे थे कि मतलब सो रहे थे ट्रेन में, आप लोग ना वीडियो को पीछे करके जाके एक बार देखिएगा तो आप लोगों को नज़र आएगा, एक आदमी भी सो रहे हैं, और मैं देखी थी भाई इंजॉय करने गए, सिर्फ 15 मिनट का समय मिला उसमें भी ये लोग सो रहे हैं, मैं तो देखकर शॉक्ड थी कि ये लोग सोने आए थे या फिर नज़ारा लेने आए थे, तो आप लोग भी देख लीजिए
शायद आप लोगों को भी हंसी आ जाए, पर हम लोगों को तो मज़ा आ रहा था। मुझे तो कोई नींद वींद नहीं आ रही थी, मैं तो पूरा इंजॉय करी। तो फ्रेंड हम लोगों के स्टेशन आ गया नंदनकानन टॉय एक्सप्रेस ट्रेन उतर रहे हैं। तो यहाँ जब हम लोग ट्रेन से उतरे देखे तो छोटा सा ट्रेन बड़ा क्यूट सा लग रहा था, तो फिर हम लोग सोचे क्यों ना यहाँ पे हम लोग एक पल और थोड़ा कैप्चर कर ले, तो यहाँ पे जाकर थोड़ा सा वीडियो हम लोग बनाने लगे। मेरे हस्बैंड बोले कि कुछ फ़ोटो भी क्लिक कर लेना और कुछ वीडियो उठा लेना, तो उनको तो बहुत पसंद है पटरी और ट्रेन। ये छोटी पटरी है, देखने में इतना मस्त, मतलब ऐसा लग रहा था देखने में ना कि हम लोग ना कोई कार्टून वाला दुनिया में आ गए। और ट्रेन भी इतना छोटा सा, कितना क्यूट लग रहा था, पटरी भी छोटी सी, बड़ा अच्छा लग रहा था। और वो भैया जो वॉचमैन कह सकते हैं वो हम लोग को लेकर बड़ा परेशान हो रहे थे, क्योंकि हम लोग यहाँ फ़ोटो और वीडियो बनाने में इतना व्यस्त हो गए कि वो बोल रहे मैडम जल्दी चलिए जल्दी चलिए, मुझे खाना खाना है, लेकिन हम लोग बोल रहे कि भैया थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए। फिर लास्ट में भैया बहुत रिक्वेस्ट किए, फिर हम लोग जाकर निकले, उनको भी हम लोग मतलब ऐसे ही बेवजह परेशान कर दिए। भैया से पूछ रही थी मैं कि बोटिंग अभी चालू है कि नहीं, क्योंकि जब वहाँ पे गई ना झील पे तो किसी को देखी नहीं थी कि कोई बोटिंग कर रहे थे। तो फ्रेंड्स हम लोग घूम लिए नंदन कानन एक्सप्रेस ट्रेन में और बहुत मज़ा आया। अभी चल रहे हैं थोड़ा बहुत, मतलब कि सिर दर्द हो रहा है, भूख भी लग रहा है और गर्मी लग रही है ना, इसलिए भी माथा थोड़ा गर्म हो रहा है। अभी तो फिर भी थोड़ा बहुत ठीक है घूमने के लिए, शायद अप्रैल और मई में तो हालत नहीं रहेगा कि कोई घूम पाए यहाँ पे। तो अभी चल रहे हैं हम लोग, अभी बंद भी हो गया शायद, हम ही लोग लास्ट थे। और मेरी बिल्कुल भी बहुत इंजॉय कर रही है अपने पापा का साथ, देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब बारी थी पानी वाला जानवर को देखने का और कुछ रेप्टाइल्स एनिमल्स। तो अभी हम लोग देख रहे थे, यहाँ पे आए थे तो ऐसे ही जो टॉर्टोइस होते हैं, टर्टल और देन ये क्रोकोडाइल और जो भी मतलब पानी में रहते हैं ना जानवर, बहुत ज़्यादा इस टाइप का था, सबको देखे वहाँ से। और फिर धीरे धीरे करके हम लोग वैसे ही बाहर निकलते गए, तो आप लोग भी थोड़ा बहुत देख ही लीजिए। मुझे तो यहाँ कुछ खास मज़ा नहीं आया, मैं बस थोड़ा थोड़ा बनाई वीडियो और फिर अभी कुछ वीडियो मेरे हस्बैंड का फ़ोन में भी है। और ये जो था ना यहाँ पे स्नैक्स थे, तो स्नैक्स का भी मैं ली थी थोड़ा बहुत, तो फिर निकल गई वहाँ से। मैं जब फ्रेंड वीडियो बना कर थक गई तब मेरे हस्बैंड मेरा थोड़ा थोड़ा वीडियो बनाना चालू कर रहे थे, तो यही क्रोकोडाइल लोग देखकर आए ना उस समय ये वीडियो बना रहे थे। फिर उसके बाद हम लोग थोड़ा देर और आराम किए, थोड़ा देर बैठे, और मेरे हस्बैंड उस समय मतलब कि बोले कि अब निकलेंगे यहाँ से, इससे थोड़ा सा आराम कर रहे थे और मेरी बुलबुल को पानी पिला रहे थे यहाँ बाहर, क्योंकि बहुत ज़्यादा घूम चुके हैं, पैर दर्द हो गया। तो जाते हैं बाहर खा लेते हैं, उसके बाद घर चलते हैं। और मेरी बुलबुल का मन नहीं भरा था तो उनके पापा जो इसे बोतल ले लिए, तो ये रोना शुरू कर दी। तो अब निकलते हैं थोड़ा बाहर, और ये देखिए फ्लावर यहाँ पे कितना अच्छा लग रहा है ना, फ्लावर गार्डनिंग कर रखे हैं।
तो फ्रेंड्स जब हम लोग पार्क घूम लिए उसके बाद बाहर आए, फिर देखे बाहर कुछ इतना हाइजीनिक था नहीं, तो हम लोग क्या किए एक रेस्टोरेंट में गए और वहाँ पे सारा सामान मतलब कि पैक करवा लिए, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो गया था और रेस्ट भी करना था और बहुत थकान हो रही थी, इसी के लिए हम लोग घर पे ही सामान पैक करवा कर और घर पे आकर और खा लिए। और ये मतलब कि कुछ पिक्स मैं इसमें लगा रही हूँ जो वहाँ पे मतलब घूमे थे ना वहीं का, ये कुछ पिक्स है। अगर आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। फिर आप लोगों से मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ और एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय एंड जय माता दी फ्रेंड्स, और आप सबका दिन मंगलमय हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।